अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। चलो, मुझे न्यू देख रहे हैं, मैंने वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज की वीडियो किसी भी स्पेसिफिक हेयर टाइप के लिए नहीं है, आज की वीडियो सबके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे मेजर इशू के ऊपर वीडियो है जो सबके हेयर के ऊपर आता है, सबके लास्ट हेयर के ऊपर टिप्स के ऊपर आता है, ये आज उसके ऊपर वीडियो है। और मैंने इस जब YouTube के ऊपर इसकी वीडियो देखी, जब मैं इसको सर्च कर रही थी, जब मैं इसे लेना चाह रही थी, मैंने इसे 1.5 महीने यूज़ किया। मैं रिव्यू दूंगी, मुझे किसी का भी रिव्यू अब सेटिस्फाई नहीं लगता जैसे कि रिव्यू YouTube के ऊपर दिए गए इसके लिए। तो मैं आज इसका कंपैरिजन भी पैंटीन के साथ करूंगी जैसे बाकी लोगों ने किया, इसकी क्वालिटी पे लोगों ने बात की वो भी मैं बात करूंगी, इसको यूज़ सही तरीके से कैसे करना है, कैसे ये इतना बेनिफिशियल है, इतना अच्छा है, ये कैसे अच्छा है, ये मैं आपको आज डिटेल वीडियो में बताऊंगी। तो मैंने इसको यूज़ करके, मेरा कोई भी रिव्यू विदाउट यूज़ नहीं होता, मैंने इसे बहुत यूज़ किया, 1.5 से 2 महीना मुझे होने वाले हैं अब मैं रिव्यू देने लगी हूँ। तो ऐसे डिटेल ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर आके मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी स्किन टाइप कोई भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो टाइटल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मेरी वीडियो हेयर के ऊपर है, और हेयर के ऊपर वीडियो बहुत अभी मेरी मैं सीरीज वाइज लेके चलती हूँ, तो ये सीरीज में ही मेरी कोई तीसरी चौथी वीडियो है हेयर से रिलेटेड। पहले मैं इसके मुताबिक बना चुकी हूँ कि कैसे कैसे आपने अपने स्कैल्प की केयर करनी है, हेयर्स की केयर करनी है। अब मैं टिप्स पे आ गई हूँ कि जो हमारे बिल्कुल स्प्लिट एंड्स होते हैं उनकी केयर कैसे की जाती है, तो आज मेरी वीडियो उसके ऊपर है। तो मैं लेके आई हूँ जी ये लॉरेल पेरिस की लाइव ड्रीम लॉक नो हेयर कट क्रीम, ठीक है। और इन्होंने लिखा है जी इसके ऊपर ये सील स्प्लिट एंड स्ट्रेंथन लेंथ एंड टिप्स और वीकर लॉन्ग हेयर। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, सबसे पहली बात जब मैंने इसको लेना चाहा, इसका मकसद क्या है, मैंने जब YouTube के ऊपर सर्च किया, आप लोग भी मेरी वीडियो सर्च करके आए होंगे, बहुत सारे इसके ऊपर आपने वीडियो देखी होंगी, उन लोगों ने यही बोला है इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, ये प्राइस के मुताबिक पैंटीन से, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, पैंटीन से थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये फलाना है, ये ढिमक है। ये टोटली डिफरेंट क्रीम है पैंटीन से, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। पैंटीन की जो क्रीम है ऑयल रिप्लेसमेंट, ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्रीम है नो हेयर कट क्रीम। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी प्रोडक्ट होता है वो आपको खुद ही अपने बारे में बता रहा होता है, फ्रंट पे जो आपको टाइटल लिखा आ रहा होता है क्रीम का, वो खुद ही बता रहा होता है कि मैं क्या हूँ। तो उन्होंने लिखा है नो हेयर कट क्रीम। नो हेयर कट क्रीम का क्या मतलब है? कभी ऐसा हुआ कि बाल आपके ऊपर से काट रहे हो, हमेशा लास्ट से काटना शुरू किए जाते हैं बाल। सबसे मेजर इशू ये आता है, हम लोग अपनी स्कैल्प भी इंप्रूव कर लेते हैं, हम अपने बालों की हर चीज़ ऑयल भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम स्प्लिट एंड से बाल नहीं काट रहे होते, बिल्कुल जो टिप्स होती हैं हमारी वो दो मुआ हो जाती हैं। मैं खुद एक टाइम था मैं नहीं काटती थी बाल, क्या मेरे छोटे हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब नीचे डैमेज हेयर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले बालों को भी डैमेज करते जा रहे होते हैं। जैसे ही ऊपर वाले बालों अब काटते ही नहीं, वो ऊपर वाले बाल भी डैमेज होते जाएंगे। तो जो लास्ट के 3 सेंटीमीटर के बाल हैं जो हमें कहते हैं काटने चाहिए, वो ना काटने की वजह से हमारे ऊपर भी 3 सेंटीमीटर खराब, फिर और खराब, फिर सारे खराब हो जाते हैं। ये क्रीम उन्होंने उसके लिए बनाई है कि लास्ट 3 सेंटीमीटर के जो बाल होते हैं, जो हमारे दो मुआ हो जाते हैं, ये उनके लिए उन्होंने क्रीम बनाई है कि आप उस पर लगाइए, और या हम जो पफ काट लेते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, पफ फ्रंट से कटवाते हैं, उस पर आप लगा लीजिए, आपका दो मुआ बाल नहीं होंगे। तो मैं अब आपको बताऊं कि इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, कि मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, और मेरी सिस्टर का, और जो भी मैंने इसका मैंने जो इसका रिजल्ट खुद देखा ना, आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा शेयर करने वाली हूँ। तो जी, मुझे इसकी आपको सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, उसका यूज़ का तरीका जो पूरे YouTube पे सही नहीं बताया गया, हर दफ़ा में एक बात की गई है वो मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। इन्होंने कहा जी नो हेयर कट क्रीम है जो प्रोटेक्ट करती है हेयर्स को फ्रॉम इट्स टू एनमीज ब्रेकेज फ्रॉम ब्रशिंग एंड स्प्लिट एंड। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि जो हमारे दो बड़े दुश्मन हैं, जैसे हम ब्रशिंग करते हैं ऊपर से और स्प्लिट एंड होते हैं जो टूट जाते हैं और दो मुआ बाल होते हैं, ये उनके खिलाफ एब्सोल्युटली वर्क करती है, ये बिल्कुल वर्क करती है। और कैसे करती है मैंने आपको कहा, एंड तक आपने देखना, मैं लाजमी बताऊंगी। उसके बाद क्या है, से नो टू कटिंग योर एंड्स, इससे रिकंस्ट्रक्टिंग कॉकटेल ऑफ कैस्टर ऑयल एंड वेजिनल प्रोटीन, और बहुत सारी इसमें चीज़ें और भी बताई हैं जो हमारे बालों के लिए। कैस्टर ऑयल तो हमारे बालों को हमेशा, आपने अच्छे ऑयल्स में सुना होगा कि कैस्टर ऑयल हमेशा कहते हैं कि आप अपने टिप्स पे लगाएं, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं ना, आप अपने सर की स्कैल्प पे लगाएं, बालों में लगाएं, लेकिन कैस्टर ऑयल अपने टिप्स पे लगाएं। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कहते हैं, हर अच्छे यूज़ करने वाले ऑयल भी कहते हैं कि आपको कैस्टर ऑयल अपने टिप्स पे लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमने वो इसमें ऐड किया, पूरी सर्च से इन्होंने ये क्रीम बनाई है, और बाकी उन्होंने अरबी में कुछ लिखा हुआ, बाकी सारा उन्होंने सही बताया हुआ क्या क्या करना है। अब मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहली मैंने इसे तकरीबन 1.5 मंथ पहले यूज़ किया, ठीक है। उससे पहले मेरी बालों की कटिंग नहीं थी, मैंने कटिंग करवाई लेयर्स में, मैंने अपने बालों की कटिंग करवाई लॉन्ग लेयर्स में। तो मैंने सोचा कि यार फिर वो दो मुए बाल हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी मैंने लेयर कटिंग करवाई थी, उसकी वजह से मेरे सारे बाल डैमेज हो गए थे, क्योंकि मैं स्प्लिट एंड मेरे दो मुँह हो रहे थे, मैं कटवा नहीं पा रही थी कि लेयर्स हैं।
तब मैंने ये क्रीम ऑर्डर की, तब मैंने इसको यूज़ किया। आज मुझे तकरीबन 2 महीने यूज़ करते हुए होने वाले हैं। सबसे पहली बात जो मैं इस क्रीम के बारे में कहना चाहूँगी, 2 महीनों के अंदर एक दफ़ा भी मैंने अपने बालों को कट नहीं किया स्प्लिट एंड से। ज़रा भी इसने मेरे बालों को दो मुआ नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। बल्कि इसको मैं जब भी लगाती हूँ, और लगाती कैसे हुई मैं आपको बता देती हूँ, कि मैंने जब भी इसको यूज़ किया उसके बाद मुझे अच्छा ही अपने बालों को फील हुआ है। और अब इसकी बात करूँ, पहले मैं क्वांटिटी की, जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे की गई, और मुझे दुख हुआ कि इसकी क्वांटिटी 200 ml है और बालों पे लगाएंगे तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि लोगों ने कहा जी पैंटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये सबसे गलत बात है। पैंटीन की क्वांटिटी 180 ml होती है, और ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये आपके बालों को ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए है, फुजीनेस को कम करने के लिए है, ये बालों के स्कैल्प के लिए, मतलब स्कैल्प पे तो नहीं लगा सकते, स्कैल्प के ऊपर जिनकी ड्राइनेस होती है वो लगा सकते हैं। और ये जैसे स्ट्रेटिंग से पहले आप एज अ हीट प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए है, ये ऑपोजिट है। ये फुजीनेस को तो कंट्रोल करती है, लेकिन ये टिप्स के लिए। अब मैं बात करूँ, देखिए इन्होंने खुद कहा है कि ये देखिए इसको इस तरह ओपन करते हैं, ज़रा सब ऊपर करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई कैप नहीं ऊपर करना, जैसे ये बंद हो गया ये ओपन करेंगे तो ओपन हो गया। लोगों ने कहा जी इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो आप ये बात सुन लें, उन्होंने खुद कहा है कि सिर्फ लास्ट के 3 cm के ऊपर आप लोगों ने लगाना है। जब आप लास्ट के 3 cm के ऊपर लगा रहे हैं तो कैसे ये इतनी ज़्यादा लग सकती है? या आपने इसको पफ जो कटता है फ्रंट से उसके ऊपर लगाना है उसके लास्ट पे, या 3 cm के लास्ट पे लगाना है। अब मैं आप लोगों के सामने लेती हूँ ये क्वांटिटी, मैं इतनी क्वांटिटी में लेती हूँ ये देखिए, क्योंकि मैंने 3 cm पे लगाना है। यू कैन सी जस्ट 3 cm पे लगाना है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं क्या करती हूँ, लास्ट 3 cm पे लगाती हूँ, फ्रंट पफ पे लगाया उसके बाद पूरे बालों में फेर लेती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, सारा दिन आती है। आप लोगों ने इसको ऐसे हाथ से करना है, और ये बाल हैं उसके एंड में आपने ऐसे लगाना है। अब आप गीले बालों में भी लगा सकते हैं, प्रेफरेंस मेरी ये है इसको गीले बालों में लगाएं। मैं नहाते बाहर आती हूँ, टॉवल बालों में मत किया करें, ज़्यादा देर बांध के ना रखा करें। टॉवल को मैं एक दफ़ा ही वॉशरूम में धो के साफ करने के बाद टॉवल खोल लेती हूँ, बाल बाहर आके उन्हीं बालों में मैं इस तरह एंड पे स्प्लिट एंड में बिल्कुल टिप्स के ऊपर लगाती हूँ, ऐसे ऐसे मलती भी हूँ, फिर ऊपर पफ पे मैं ऐसे लास्ट पे लगा लेती हूँ, और फिर सारे बालों पे लगा लेती हूँ ऐसे करके वो सारे बाल। अब ये देखें कितनी है ये चिपचिप, अब ये इतनी भी बहुत ज़्यादा है, मैं इससे भी कम लेती हूँ। अब मैं इसे 2 महीनों से यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरी अभी इतनी हुई है, आप दगादा लगाएं। 2 महीनों से मैं हर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के इसे यूज़ कर रही हूँ। कैसे कोई यूट्यूबर ये कह सकता है? मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूँ, इसकी प्राइस 630 या कभी 720 हो जाती है, लेकिन दराज से मैंने लिया था, दराज के ऊपर इनका ऑफिशियल स्टोर है। आप लोगों ने ऐसे मसाज करते रहना बालों का लगाने के बाद, एक मिनट हाथ आप लोगों ने मसाज करना है, बिल्कुल बालों के ऊपर ऐसे लास्ट से मसाज करना है, फिर पूरे बालों में लगा लेना है। दराज के ऊपर सेल लगती रहती है, इनका वेरीफाइड ऑफिशियल स्टोर है दराज के ऊपर, लॉरियल पेरिस का। उसके ऊपर इनके साथ पैकेज भी चलते हैं, इसके साथ वो लॉरियल का ब्रश भी देते हैं, शीशा भी देते हैं, कभी वो कुछ भी देते रहते हैं, बैंड दे देते हैं। तो 630 की हद ये मिल जाती है, और ये बहुत चलने वाली क्रीम है। पूरे यूट्यूब पर मुझे समझ नहीं आई क्यों लोगों ने बोला, जब मैंने भी इसलिए ली थी, मुझे यही था यार इसकी क्वांटिटी कम होगी, सब बोल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या जिनको मैंने यूज़ करते हुए देखा था। तो जब मैंने लिया है मैं कहती हूँ ये बहुत ज़्यादा है, ये 6 महीने भी चल सकती है अगर आप इसे तरीके से चलाएं, क्योंकि ये सिर्फ 3 cm के लिए है। आपने नहाने के बाद टॉवल ज़्यादा देर नहीं लगाना, फ़ौरन टॉवल से ड्राई करने हैं बाल, बाहर आ जाना है, गीले गीले बालों को रहने देना है, उसमें ये लगानी है। और अगर आप भूल जाते हैं लगाना, तो आप 80% अगर आपके ड्राई बाल हैं, 20% गीले बाल हैं, उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं किसी फंक्शन पे, तो एज अ हीट प्रोटेक्टर भी इसको लगा सकते हैं, और बालों की फुजीनेस को ये कंट्रोल करता है, आपके बाल हेल्दी लगते हैं। यस, ये बिल्कुल इन्होंने फ्रंट पे 6 सही लिखा है, सील स्प्लिट एंड एंड स्ट्रेंथन द लेंथ एंड ट्रिप और वीक एंड लॉन्ग हेयर। यस, आपके बाल लॉन्ग होते हैं, आपके बाल हेल्दी लगते हैं, आपके बालों में एक वजन आ जाता है। जब आपके जो बाल बिल्कुल टिप्स होते हैं ना, वहीं से आपके बाल पतले लगते हैं। बेशक आपकी स्कैल्प है, उसके बीच में बाल आपके हेल्दी हैं, टिप्स पतली हों तो बाल पतले लगते हैं। जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया, मेरे नीचे वाले बालों में वजन आ गया, उल्टा हिसाब हो गया कि वो वजन वाले माशाल्लाह बाल लग रहे होते हैं। तो मेरी तरफ से ये हर बंदे को रिकमेंडेड है, और मैंने बता दिया है कि पैंटेन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये वीडियो में बना चुकी हूँ पहले। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ये फुजीनेस के लिए है, ये जिनके स्कैल्प ड्राई रहती है उनके लिए है, ये ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए है, ये ऑयल भी देती है, ऑयल रिप्लेसमेंट के लिए भी है। और इसके बाकी सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कंडीशनर भी है, ये हीट प्रोटेक्टर भी है, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं, खुदारा बाकी यूट्यूबर से भी कहूँगी इसको कंपेरिजन मत करें, ये टोटली ऑपोजिट है। तो ऐसी ही डिटेल, ऑनेस्ट और सर्च की हुई और यूज़ की हुई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं, स्किन टाइप दिखा सकते हैं, और ये रिकमेंडेड है, ये हर बंदे को यूज़ करनी चाहिए, ताकि आपके बालों की एंड अच्छी होगी, तभी आप लोगों के बाल लेंथी भी लगेंगे और बार बार आपको कट नहीं करवाना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर आप लोग कटिंग से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी स्प्लिट एंड अच्छी रहे तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, ताकि आप लोग हर 15 दिन के बाद कटिंग ना करवाएं, आपकी स्प्लिट एंड वैसे ही अच्छी हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।